अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू गार्डनिंग विद अश्वी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गुलदाउदी, जिसे कटिंग हम लगाएंगे और ट्रांसप्लांट करेंगे, और सॉइल मीडिया क्या लेना है सब कुछ मैं डिटेल से बताने वाली हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें और स्किप ना करें। ये प्लांट ज़मीन में लगा है, काफ़ी ज़्यादा बुशी हो गया है और नीचे से काफ़ी सारी ब्रांच निकली है, तो इसी में से चलते हैं, हम कट कर लेते हैं। कुछ और भी हम कट करके लेंगे। गुलदाउदी ज़मीन में लगा हो या फिर पॉट में, बट बहुत ज़्यादा बुशी हो जाता है, न्यू ब्रांच आती है। ये है येलो कलर का, यहाँ से हम कट करेंगे, ये लेना है और इसको इस तरीके से कट कर देना है। इस तरह हम चलते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। गुलदाउदी की कटिंग को कभी भी लगाया जा सकता है, किसी भी मौसम में लगाया जा सकता है, बट गर्मी में लगाएं तो थोड़ा सा ध्यान रखें, शेडी एरिया में रखें, फुल सनलाइट में ना रखें। कटिंग लगाने के लिए कटिंग का साइज़ 3 से 4 इंच का होना चाहिए और बहुत ज़्यादा छोटी ना लें। बड़ी लेंगे तो चलेगी, बड़ी तो गुलदाउदी की कितनी भी बड़ी कटिंग आप ले कर लगा देंगे वो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। ये है रूट विन है, जो जिससे रूट अच्छे से डेवलप हो जाती है। इसके लिए हम ले रहे हैं 1 गिलास पानी में कटिंग करके इसको रखने के लिए, और ये ले रहे हैं कप्स, इसको इसमें सुराख कर लिया है। तो चलते हैं इसको काट देते हैं। इस तरह से कटिंग कर लेना है, इस कटिंग को ऐसे रखना है और पानी में डिप करते जाएंगे। यह है बालू, और बालू को, बालू जिसको रेत भी कहते हैं, इसको अच्छे से सफाई कर लें, और सफाई करने के बाद इसमें इसको पानी डाल के थोड़ा सा वेट करेंगे, पानी अच्छे तरीके से सोख लें। कटिंग 20 से 25 दिन में आसानी से ग्रो हो जाती है, चाहे मिट्टी हो या फिर बालू हो, दोनों में अच्छे से ग्रो होती है। पेंसिल या पेचकस की मदद से जगह जगह होल कर लें, जिससे कि कटिंग को लगाने में आसानी हो। इस तरीके से को रख देना है, और उसके बाद 20 दिन के बाद ये तैयार हो जाएगा। तो चलते दिखाते हैं कि 20 दिन के बाद ये कैसा दिखेगा। तो हमारे पास तैयार है दूसरा, हम उसको दिखाएंगे। ये देखें, ये रेत में लगा हुआ है, कुछ पौधे इसमें से ख़राब हो गए थे, जिसकी वजह ये थी कि एक तो ओवर वाटरिंग हो गई थी, और दूसरा फिर इसमें पानी की भी थोड़ी सी कमी हो गई थी बीच में, जिसकी वजह से कुछ पौधे ख़राब हो गए थे। चलिए तो हम आपको दिखा देते हैं।
मिट्टी में देखें इसकी जड़ें, इसको मैं पानी से धुल देती हूँ कि वो है जो हमने मिट्टी में ग्रो किया है। और ये देखें, ये वो है जो हमने बालू या रेत में ग्रो किया है। दोनों का रिजल्ट ही माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है। गुलदाउदी की कटिंग मिट्टी में लगाएं या फिर रेत में लगाएं, लेकिन ओवर वाटरिंग दोनों में नहीं होनी चाहिए। ओवर वाटरिंग होगी तो प्लांट ख़राब हो जाएगा। ये पौधा कटिंग से तैयार है, तो अभी हम इसको मिट्टी में ट्रांसप्लांट करेंगे। किसी भी तरह का कंपोस्ट नहीं यूज़ करेंगे, ना ही कोई फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। और जब दोबारा से हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे, तब हम इसमें फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र भी तब ऐड कर सकते हैं। तब काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट कुछ भी ऐड कर सकते हैं। 15 से 20 दिन में आप ऐड करेंगे तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, आपका प्लांट फ्लावरिंग के लिए जल्दी तैयार हो जाएगा। ट्रांसप्लांट करने के बाद धूप में बिल्कुल भी नहीं रखिएगा, 4 से 5 दिन शेडी एरिया में ज़रूर रखिए, उसके बाद आप सनलाइट में रख दें तो प्लांट नहीं ख़राब होगा। कुछ पौधों को हमने ट्रांसप्लांट कर लिया है, तो इसी तरीके से चले धीरे धीरे भी ये सारे पौधे ट्रांसप्लांट कर लेंगे। वीडियो बड़ा ज़रूर होने वाला है, लेकिन आपको इसमें अपने नॉलेज की हर चीज़ें, हर बातें मिल जाएंगी कि प्लांट को कैसे और किस तरीके से लगाना है, इसके आगे हमें क्या क्या करना है, सारा प्रोसेस मैं आपको डिटेल से समझाने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। ये कुछ प्लांट है जो कि ज़मीन में लगा हुआ है और ये काफ़ी घना और बुशी हो जाता है, तो इसमें से निकाल के डिवाइड करने में आसानी रहती है, क्योंकि इसमें जड़ें पहले से होती है, इसमें रूट्स पहले से निकली होती है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, प्लांट मरता भी नहीं है। चलते हैं, ज़मीन में से निकाल लेते हैं। ये ज़मीन में से हमने निकाल लिया है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे। पहले इसकी सफाई करेंगे, जो इसमें बीच बीच में घास है वो सारी घास को हम निकाल देंगे, और निकालने के बाद हम इसको डिवाइड करके ट्रांसप्लांट करेंगे। क्रिसेंथेमम एक ऐसा प्लांट है जो कि इसकी रूट्स अगर थोड़ी सी टूट भी जाए तो ये बहुत ही आसानी से फिर से इसको लगा देंगे तो लग जाता है ज़मीन में भी और पॉट में भी। तो पॉट में लगाने के लिए और ज़मीन में लगाने के लिए सेम है, बट ये पॉट की मिट्टी हमें मिक्स करके बनानी पड़ती है और ज़मीन में हमें कोई मिट्टी बनानी नहीं पड़ती है। ज़मीन में सिर्फ थोड़ा सा गड्ढा करेंगे और लगा देंगे। जब भी ज़मीन में लगाएं तो उसका मॉइस्चर मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा रहेगी तो ये प्लांट ख़राब हो जाएगा, सूख जाएगा जल्दी से। लेकिन अगर पॉट में लगा रहे हैं तो पॉट में लगाने के बाद इसको आप शेडी एरिया में रख दें, डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, तो ये जल्दी से डेवलप हो जाएगा। तो 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते के बाद आप इसको सनलाइट में रख देंगे तो अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो अभी रिपोर्ट करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से 1 ही हफ्ते के बाद ये बहुत ही प्यारा लगने लगता है, पत्तियां सारी थोड़ी नई नई निकल आती हैं। सॉयल मिक्स में मैंने लिया है काउडंग कंपोस्ट 20%, वर्मी कंपोस्ट 20%, गार्डन सॉयल 60%, एप्सम सॉल्ट 1 स्पून, राख है 2 स्पून और वेस्ट चाय है 2 स्पून। इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब चलते हैं रिपोर्ट करते हैं। जिस भी पॉट में प्लांट को ट्रांसप्लांट करना है उसमें पहले तो चेक कर लें उसमें ड्रेनेज होल सही और एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद इस तरीके से एक टुकड़ा ले लें और उसमें उसको बंद कर दें। पॉट को आधा भरना है, आधा भरने के बाद प्लांट को हम इसमें सेट करेंगे। अब प्लांट जब लगा देंगे तो लगाने के बाद 2 इंच खाली होना चाहिए, क्योंकि हमें बाद में फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र या फिर वर्मी कंपोस्ट देना रहता है, तो उसके लिए हमें फिर जगह खाली ही चाहिए थोड़ी सी। पॉट में जब भी लगाएं तो थोड़ा सेंटर में लगाएं, किनारा नहीं होना चाहिए। इसमें मत लगाइएगा। और ये हमारे साहब ज़्यादा हमारे साथ साथ लगे रहते हैं,
कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अम्मा को क्या ला के देना है, और ये दौड़ दौड़ के लाते रहते हैं। ऐसे ही आपको लगाना है, ठीक है। मेरे पास पड़ा हुआ था थोड़ा सा राइस हस्क पुराना था, तो मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाएगा तो प्लांट के लिए अच्छा ही रहेगा। और ये हमारे साहबजादे हैं हमारे साथ, हमारे पीछे आगे पीछे टहल रहे हैं। अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको उनको भी दिखाऊंगी, उनको भी प्लांट लगाने का बड़ा ही शौक है, तो अभी आप देखेंगे उनको भी आगे चल के। पॉट की मिट्टी को थोड़ा सा हाथों से प्रेस करके दबा देना है, जिससे कि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए, पानी डालने पे ये टेढ़ा ना हो। लाइए निकाल दें। पानी तो डाल दे पहले इसमें, एक मग पानी दीजिए, मग में इस तरह से पानी दे देना है, और पानी देने के बाद शेडी एरिया में रखना है कम से कम एक हफ्ते के लिए। तो चलते हैं, देखते हैं ये हमारे लाडले साहब हमारी कॉपी कर रहे हैं। और उसमें हम लोग पेड़ लगाएंगे। हाँ, शुरू करिए। नहीं अब बस, अब किसी में नहीं डालिए, जो अम्मा बोलती है फिर लास्ट में बाय बाय टेक केयर बोलिए। बाय बाय टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इसमें से काफ़ी सारे पौधे ऐसे हैं जिसको मैंने ट्रांसप्लांट किया था, लेकिन दो पॉट का ऐसा है कि जो पिछले साल का है जिसको मैंने डिवाइड नहीं किया, ये है बहुत बुशी है। 26 मई को ट्रांसप्लांट करने के बाद ये देखते हैं, ये 13 जून को माशाल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा और हरा भरा हो गया है, प्लांट भी कोई ख़राब नहीं हुआ है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इसकी मैं खासियत ये बता दूं कि ये छोटे से पॉट में था, इसमें रूट्स काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने इसको ट्रांसप्लांट किया। उसके पहले इसकी पत्तियां सारी पीली हो गई थी, ये देखें कुछ पीली पीली पत्तियां दिख भी रही हैं। इसमें काफ़ी सारी ब्रांच नीचे से आई है, ये देखें नीचे से आई है इसमें काफ़ी सारी ब्रांच। इसको रिपोर्ट कर दिया था, रिपोर्ट करने के बाद देखें इसमें पीलापन ख़त्म हो गया है, जो पीली पत्तियां थी वो सारी ख़त्म हो गई हैं, और जो नई पत्तियां निकली हैं वो सब हरी हैं। ट्रांसप्लांट करने के लिए 50% गार्डन सॉयल, 30% काउडंग कंपोस्ट, 20% वर्मी कंपोस्ट लेना है। आपका भी गुलदाउदी का पौधा अगर येलो हो रहा है तो आप भी उसको ट्रांसप्लांट कर दें। जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो येलो पत्ती नीचे रहेगी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, और ऊपर से न्यू जो निकलेगी वो ग्रीन कलर की निकलेगी, क्योंकि उस मिट्टी में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। 15 जून 2021, तो चलते हैं प्रूनिंग कर लेते हैं। प्रूनिंग करने का सिर्फ इतना ही रीज़न है कि जब हम प्रूनिंग करेंगे तो न्यू ब्रांच निकलेगी, न्यू ब्रांच निकलेगी तो फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी, तो बर्ड्स भी बहुत सारी आएंगी, तो पॉट आपका भरा रहेगा, पूरा फूलों से बिल्कुल से भरा रहेगा। तो चलते हैं सभी प्लांट की हम प्रूनिंग कर लेते हैं, जितना हमारे पॉट में या फिर हमने ज़मीन में जितने भी पौधे लगाए हैं सभी की हम प्रूनिंग करेंगे। प्रूनिंग हमको बराबर से करना है, जब प्रूनिंग बराबर से करेंगे तो प्लांट ऊपर जाके ऊँचा जाके थोड़ा सा बराबर से रहेगा, और उसके बाद जो फ्लावरिंग होगी वो भी बराबर से रहेगी। भैया सब चुन लीजिए, रख दीजिए रख दीजिए रख दीजिए। सब उठा लीजिए। सब उठा उठा लिए।
रुक जाओ बाबा। सब चुन लीजिए। काट रखो तो सब चुन लीजिए। सब चुन लीजिए, चुन लीजिए। ले चलिए। ये नहीं रखना है, वो उधर उधर पलट दीजिए। चलिए कुछ काम करिए। सब चुन लीजिए। आपके पीछे भी है। हाँ इस तरफ भी है ये। चुना गया, ले जाइए वहीं डाल दीजिए। ओ फूल थक गए, देखे कितना थके। चेक कर लीजिए। पसीना हुआ है क्या? बहुत पसीना हुआ है ना? हाँ ये नोज पे पसीना हुआ है। यहाँ भी पसीना हुआ है। और क्या, काहे बंद कर रहे हैं? गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है। हाँ अक्टूबर तक कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। प्लांट कुछ घना और बुशी हो जाता है काफी ज़्यादा। तो इसमें फिर अक्टूबर में फर्टिलाइजर देने का टाइम होता है। इसकी फ्लावरिंग भी बहुत प्यारी होती है और फ्लावर भी काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं। कुछ फ्लावर तो मीडियम साइज़ के होते हैं, लेकिन कुछ फ्लावर 4 इंच 3 इंच के इतने होते हैं और फ्लावर बहुत ही प्यारे लगते हैं। क्रिसेंथेमम कहते हैं इस प्लांट को और गुलदाउदी भी कहते हैं। और ये प्लांट ईजली ये कटिंग से भी ग्रो होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है। और इसको डिवाइड कर सकते हैं, ज़मीन में भी अगर लगा रहे हैं या पॉट में लगा रहे हैं तो इसको आसानी से इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र में काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र होते हैं। जो गर्मी का अगर ज़्यादा मौसम है तो उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करें। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आप सरसों की खली का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, और नहीं तो आपके पास घर में किचन वेस्ट है, जैसे कि किसी भी तरह का छिलका, आलू का छिलका हो या फिर प्याज का छिलका हो, कोई भी छिलका ले लें, उसको अच्छे से पानी में भिगा कर रख दें कम से कम 1 हफ्ते के लिए। जब वो पानी में भीग जाएगा तो लिक्विड हो जाएगा, तो वो डिकम्पोस्ट हो जाएगा। उसके बाद उसके घोल को पतला कर लें, गाढ़ा घोल नहीं डालना है, घोल को थोड़ा सा पतला कर लें। और सभी प्लांट में
तकरीबन आधा आधा ग्लास या फिर एक ग्लास सभी प्लांट में डाल दें। तो इससे क्या रहता है, प्लांट जलता भी नहीं है और हरा भरा बना रहता है गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में प्लांट में 15 दिन 20 दिन पे आप लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करते रहें तो इससे प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है, ग्रोथ भी इसकी बहुत अच्छी होती है और फ्लावरिंग के लिए भी ये जल्दी से तैयार हो जाता है। क्रिसेंथमम की एक बार पिंचिंग करने से काम नहीं चलेगा। क्रिसेंथमम की दो वैरायटी होती है, एक वैरायटी होती है जिसमें पिंचिंग नहीं की जाती, जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है फ्लावर का, और ये दूसरी वैरायटी है जिसका साइज़ मीडियम होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। इसको एक बार पिंचिंग ना करें, इसको जब भी इसकी ब्रांच 3 से 4 इंच की हो जाए तो इसको थोड़ा सा कट कर दें, 2 इंच 3 इंच कट कर देंगे तो ये बुशी होता है, आपका प्लांट चला जाएगा। पॉट का साइज़ उतना ही बड़ा लें जितना बड़ा आपका प्लांट है। प्लांट अगर छोटा है तो पॉट का साइज़ भी छोटा रखें, अगर प्लांट बड़ा है तो साइज़ बड़ा रखें। कभी भी बड़े प्लांट को छोटे पॉट में या फिर छोटे प्लांट को बड़े पॉट में नहीं शिफ्ट करना चाहिए। क्रिसेंथेमम फ्लावर खिलने के बाद काफ़ी टाइम तक चलता है, फ्लावरिंग उसकी जल्दी से मुरझाती नहीं है। कम से कम 1 महीने आपके पॉट में फ्लावर भरा रहेगा, लगा रहता है फ्लावर और जल्दी वो मुरझाता नहीं है। और उसी फ्लावर को अगर आप सुखा के रख लेंगे तो आपका फिर से उसी फ्लावर को आप लगा सकते हैं, वो सीड्स उसमें रहती है, उसको फिर से आप जर्मिनेट कर सकते हैं बहुत ही ईजली। क्रिसेंथेमम की कटिंग को कभी भी लगाया जा सकता है, साल के 12 महीना इसको लगा सकते हैं, ईजली ग्रो हो जाती है। और इसको गर्मी के मौसम में थोड़ा सा ध्यान रखें, जिनको अभी कभी उन्होंने यूज़ नहीं किया, कभी लगाया नहीं है कटिंग को, तो वो ना लगाएं, लेकिन जो रेगुलरली ये करते रहते हैं उनके लिए इजी है लगाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। और जिन्हें पहली बार लगाना है वो जुलाई से स्टार्ट करें, जुलाई में लगाएंगे तो जुलाई से मॉइस्चर मेंटेन रहता है, बारिश धीरे धीरे होती रहती है, कभी जल्दी होती है कभी देर में रहती है, तो जुलाई से लगाएं तो ये अच्छे से ग्रो हो जाता है और नवंबर तक इसकी फ्लावरिंग हमें मिल जाती है। हर 1 महीने के बाद आप अपने पॉट में, क्रिसेंथेमम पॉट में काउडंग कंपोस्ट है या फिर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, आजकल तो इजीली मिल जाता है, वर्मी कंपोस्ट शॉप पे जाएं तो वहाँ पे मिल ही जाता है, और नहीं तो आप घर पे भी बना सकते हैं, किचन वेस्ट से आसानी से बनाया जा सकता है, जो कि मैं हमेशा बनाती भी हूँ क्योंकि प्लांट है तो बनाना पड़ेगा ही। और क्रिसेंथेमम प्लांट में एक इंसेक्ट होता है ब्लैक कलर का, जो लग जाता है तो प्लांट पूरा ख़राब हो जाता है, और एक इंसेक्ट होता है मिलीबग। ये दो तरह के इंसेक्ट क्रिसेंथेमम में लगते हैं और जिससे प्लांट ख़राब होता है। इस तरह के इंसेक्ट को ख़त्म करने के लिए आप 505 का यूज़ कर सकते हैं, 2 लीटर पानी में 1 ml मिक्स करके प्लांट में स्प्रे कर दें तो इस तरह के इंसेक्ट ख़त्म हो जाते हैं। और इस प्लांट में कीड़े भी लगते हैं जो पत्तियों को खाते हैं, तो इसी दवा से 505 से ये प्लांट की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, किसी और दवा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्टूबर स्टार्टिंग या फिर अक्टूबर लास्ट में फर्टिलाइज़र ऐड करना है, और नवंबर में क्योंकि इसमें बर्ड्स आनी शुरू हो जाती हैं तो इसका फर्टिलाइज़र जो है आप अक्टूबर में ही दें। ये कुछ फर्टिलाइज़र है जो लास्ट अक्टूबर में या स्टार्टिंग अक्टूबर में क्रिसेंथेमम प्लांट को देना है। इसमें है सरसों की खली है, काउडंग कंपोस्ट है, केले का पाउडर है, केले के छिलके को सुखा के पाउडर बना लें, राख है, लकड़ियों को जला के राख इकट्ठा कर लें, अंडे का छिलका है जिसको क्रश करके रख लें, और ये आपके प्लांट के लिए सभी ए फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर केले का छिलका आप यूज़ करेंगे तो पोटाश डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये केले का छिलका जो है ना पोटाश का काम करता है। मस्टर्ड केक को किसी भी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ज़्यादातर इसको भिगा के लिक्विड बना के यूज़ करें, और थोड़ी सी इसमें स्मेल होती है, अपने फेस पे कुछ कपड़ा लगा लें जिससे इसकी स्मेल ज़्यादा पता ना चले। फर्टिलाइज़र को जब भी ऐड करना हो तो 1 दिन पहले उसमें पानी ऐड कर दें जिससे कि उसमें नमी थोड़ी सी बनी रहे, और फर्टिलाइज़र ऐड करने से पहले पॉट में गुड़ाई करना ज़रूरी है। फर्टिलाइज़र देने का 2 तरीका है, एक तो आप थोड़ी सी मिट्टी निकाल के बाहर नीचे फर्टिलाइज़र की एक लेयर लगा के ऊपर से मिट्टी से बंद कर दें,
एक दूसरा तरीका ये है कि मिट्टी में मिक्स कर दें, ऊपर से जो गुड़ाई की हुई मिट्टी भुरभुरी मिट्टी रहे उसमें फर्टिलाइज़र को मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद पानी ऐड कर देना है। केमिकल फर्टिलाइज़र NPK प्लांट में ऐड किया जाता है, लेकिन अगर क्वांटिटी उसकी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो प्लांट पूरी तरीके से जल जाता है। तो इसलिए अगर सरसों की खली यूज़ करेंगे, क्योंकि सरसों की खली NPK का काम करता है, तो सरसों की खली को यूज़ करेंगे तो प्लांट ख़राब नहीं होता है। चलते हैं कुछ टाइम बाद देखते हैं कि हमारा प्लांट कैसा रहता है और इसमें फ्लावरिंग कब और कैसे आती है। तो आइए देखते हैं कि दिसंबर में हमें क्या फर्टिलाइज़र देना है प्लांट में। तो ले रहे हैं हम 2 टीस्पून पोटास, और इसमें फिर हम लेंगे सरसों की खली 4 टीस्पून, और इसको हम मिक्स करके भिगा के रख देंगे 4 से 5 दिन के लिए। पोटास का यूज़ तभी आप करें जब अगर केले का छिलका आपके पास ना हो, लेकिन अगर आपके पास केले का छिलका है तो आप पोटास का यूज़ ना करें, क्योंकि केले का छिलका पोटास का ही काम करता है, तो इसलिए आप केले का छिलका यूज़ करें। तो ये घोल हमारा तैयार है, लेकिन इसमें पानी मिला के हमें पतला कर लेना है, क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा रहेगा तो ये प्लांट के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमें इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना ज़रूरी है। पानी मिलाएंगे किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र में, जब भी पानी मिलाएं तो पानी 1/3 लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा घोल रहेगा तो उससे प्लांट ख़राब हो जाएगा, प्लांट जल जाएगा, और पतला रहेगा तो प्लांट के लिए अच्छा रहता है। ये नज़ारा पिछले साल 15 दिसंबर का है, जो कि बहुत ही अच्छी माशाल्लाह बहुत प्यारी फ्लावरिंग हुई थी, और सभी पॉट में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हुई थी। कुछ प्लांट ज़मीन में लगे थे और कुछ प्लांट पॉट में लगे थे, और जिसकी फ्लावरिंग दोनों की फ्लावरिंग माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हुई थी। फ्रेंड्स, आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलते हैं, वीडियो का एंड करते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।